वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का क्लास इलेवेंथ में केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग इलेवेंथ क्लास में जिस चैप्टर की स्टडी कर रहे थे उसका नाम था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत अभी पिछले दो वीडियो से हम मूल कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। पिछले दो वीडियो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं उन सभी स्टूडेंट्स से यही कहना है कि वो इस वीडियो को तब देखें जब वो पिछले दो वीडियो को क्लियर कर लें, क्योंकि बिना उन दो वीडियो को देखे हुए आपको आज का वीडियो समझ में नहीं आएगा। आज के वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, फॉर्मूले कौन से होते हैं, ये आप सभी लोगों ने पढ़ लिया है। मैं यहाँ पर फॉर्मूलों को साथ में लिखता चलूँगा, जैसे जैसे सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको वो चीज़ें खुद ब खुद याद आती जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ ज्ञात करनी है? तीन क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है, नाइट्रोजन तत्व के तीन मोल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये क्या है? नाइट्रोजन तत्व, और ये क्या है? नाइट्रोजन गैस। तो हमसे नाइट्रोजन तत्व पूछा है तो हम केवल N लिखेंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तत्व के एक मोल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10³। अतः नाइट्रोजन तत्व के तीन मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला था, नाइट्रोजन तत्व के तीन मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? आंसर है 18.066 × 10³। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन तत्व के 28U में, मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व ना करके नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जिससे आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन तत्व के 42 ग्राम में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नाइट्रोजन तत्व की ग्राम में मात्रा कितनी है? 42 ग्राम। नाइट्रोजन तत्व का परमाणु भार कितना है? 14। ध्यान से रखिएगा, ये 14, इसको हम किस यूनिट में यूज़ कर रहे हैं? ग्राम पर मोल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या कितनी आएगी? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम में मात्रा है 42, अणुभार है 14। सॉल्व करेंगे, 3 टाइम कैंसिल होगा, कितने हो जाएंगे? 3 मोल। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन तत्व के 42 ग्राम इक्विवेलेंट हैं 3 मोल नाइट्रोजन एलिमेंट। चाहे तो आप 3 मोल नाइट्रोजन का तत्व बोलो या फिर 42 ग्राम बोलो, एक ही चीज़ है। उसके बाद लिखेंगे, चूँकि एक मोल नाइट्रोजन तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10³। अतः 3 मोल नाइट्रोजन तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 × 6.022 × 10³। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18.066 × 10³।
3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कर लोगे? अब देखो यहाँ है पूछा है नाइट्रोजन तत्व के 28 यू में, यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से समझें। नाइट्रोजन तत्व की मात्रा कितनी दी हुई है, W बराबर 28 U, ठीक है। नाइट्रोजन तत्व का परमाणु भार M बराबर 14 U ले लीजिए। मात्रक अगर W ग्राम में दिया होता तो हम मात्रक क्या लेते, ग्राम प्रति मोल। अभी हमको मात्रक दिया हुआ है U, मतलब AMU, तो यहाँ पर हम परमाणु भार को U में यूज़ करेंगे। तो आप बताओ नाइट्रोजन तत्व के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोलों की संख्या N बराबर W बटे M, 28 डिवाइडेड बाई 14, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2, दो मोल हो जाएंगे। और यहाँ लिखेंगे बिकॉज एक मोल नाइट्रोजन तत्व में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻³। अतः दो मोल नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 6.022 × 10⁻³। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.044 × 10⁻³, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना था, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 0.4 मोल H2O में कितने अणु हैं, इसका सॉल्यूशन देखिए। देखो 1 मोल जल या H2O में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻³ एवोगाड्रो संख्या के बराबर। अतः 0.4 मोल जल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.4 × 6.022 × 10⁻³। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2.4088 × 10⁻³। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 0.4 मोल जल में कितने अणु मौजूद हैं, तो 2.4088 × 10⁻³ इतने अणु मौजूद हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित का द्रव्यमान ज्ञात करो, किनका द्रव्यमान ज्ञात करना है, पहला है CO2 के एक अणु का और दूसरा है ऑक्सीजन तत्व के एक परमाणु का। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। देखो CO2 का अणु भार कितना होता है आप बताइए, C है, 2 ऑक्सीजन है, C का 12 होता है, O का 16 होता है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 12 + 2 × 16 दैट इज 44 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 44 ग्राम CO2, ठीक है, इसी को हम लिख देंगे ग्राम में, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मोल CO2। आपको बताया था कि जो हमारा अणुभार होता है अगर हम उसको ग्राम में लिखें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम अणुभार। तो जो ग्राम अणुभार होता है वो मोल के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इस 44 ग्राम में अणुभार से भाग दे दीजिएगा, तो 44/44 करोगे तो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 1 मोल। तो 44 ग्राम CO2 बोलो या फिर 1 मोल CO2 बोलो में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻³। ये पता है आपको, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 6.022 × 10⁻³ अणुओं का भार कितना है, 44 ग्राम, इसलिए
एक अणु CO2 का भार होगा बराबर 44 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा, 7.3065 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, लिख लीजिएगा इसे, सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीजन तत्व के एक परमाणु का भार, बी पार्ट है। देखो ऑक्सीजन एलिमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और इसका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है 16। तो अगर हम इसको लिखें 16 ग्राम ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा ये मैं O2 नहीं कह रहा हूं, O2 तो अणु है, हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन एलिमेंट की। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है 1 मोल ऑक्सीजन एलिमेंट, ठीक है। या तो हम बोले 16 ग्राम ऑक्सीजन या फिर इसको बोले 1 मोल ऑक्सीजन, एक ही चीज है। और हमको पता क्या है कि एक मोल ऑक्सीजन दैट इज 14 ग्राम ऑक्सीजन एलिमेंट में परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां पर हम रिवर्स करके लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑक्सीजन परमाणुओं का भार, ऑक्सीजन परमाणुओं का भार कितना होता है 16 ग्राम, 16 ग्राम, अतः एक ऑक्सीजन परमाणु का भार होगा बराबर 16 अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2.6569 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये एम्स वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ कि आपके पास 1000 रुपये हैं, उस 1000 रुपये में आपसे ये कहा गया कि आप रोज़ 2 रुपये खर्च करो, तो बताओ वो 1000 रुपये खर्च करने में कितना समय लगेगा। तो आप कहोगे कि 2 रुपये खर्च होते हैं एक दिन में, तो 1000 रुपये खर्च कितने में हो जाएंगे, 2 से डिवाइड कर दोगे 500 दिन में खर्च हो जाएंगे। ऐसा छोटा सा कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स में आपने किया होगा, कुछ वैसा ही चीज़ यहाँ पर पूछा गया। देखो बहुत सिंपल है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। 1,00,000 रुपये प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में आपको कितना रुपये खर्च करना है, 1,00,000, और कितने रुपये खर्च करना है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, ठीक है। तो आप देखो ऐसे लिखो, 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं, 5, या 1,00,000, या इसको हम लिख दें 10 to the power 5, ठीक है, 10 to the power 5 रुपये खर्च होते हैं बराबर एक सेकंड में, ठीक है। तो बताओ 1 रुपये कितनी देर में खर्च होगा, आप कहोगे 1/10^5 सेकंड में। मगर आपको 1 रुपये खर्च नहीं करना है, आपको कितना खर्च करना है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, और अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10^23। तो इतने रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा,
तो आप कहोगे 1/10^5 (6.022×10^23). इसको आप सॉल्व करोगे तो 6.022×10^18 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारा सेकेंड में आया है, मगर जब हम कोई एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें ऑब्जेक्टिव में हमारा आंसर सेकेंड में नहीं दिया होता है, वो आंसर ईयर में दिया होता है, वर्ष में दिया होता है। तो इस सेकेंड को हम वर्ष में बदल देते हैं। देखो सेकेंड को वर्ष में कैसे बदलते हैं, आप एक एक करके समझो। अगर हमें सेकेंड को मिनट में बदलना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। अब मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, और फिर वो जो घंटे आएगा उसको दिन में बदलना है तो 24 से डिवाइड कर देंगे, और उन दिनों को अगर हमें वर्ष में बदलना है तो 365 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो 1.90×10^11 ईयर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब कि अगर हम एक सेकेंड में 100,000 रुपये खर्च करें तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर रुपए खर्च करने में आपको कितने वर्ष लग जाएंगे, 1.90×10^11 वर्ष लग जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊँ, उससे पहले छोटी सी मिस्टेक मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में कर दी थी। मैंने वहाँ पर ऑक्सीजन का जो वेट है वो 14 ग्राम लिख दिया था, वहाँ पर आप 16 कर लीजिएगा। कैलकुलेशन सही थी, आगे मैंने सॉल्व भी सही किया, बस एक जगह लिख गलत दिया था, उसको आप सही कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 ग्राम Na2CO3 में कार्बन ऑक्सीजन व सोडियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन में देखें कि Na2CO3 ये दिया हुआ है, Na2CO3 की ग्राम में मात्रा दी हुई है, Na2CO3 की ग्राम में मात्रा दी हुई है, कितनी दी हुई है, 53 ग्राम, ठीक है। और Na2CO3 का अणु भार आप निकाल सकते हो, पिछले वीडियो में मैंने कई बार निकाला हुआ था। अणु भार मतलब दो सोडियम है, सोडियम का होता है 23, एक कार्बन है जिसका होता है 12, और तीन ऑक्सीजन है जिसका होता है 16। मतलब अणु भार कितना होगा, 2×23 +1×12 +3×16, इसको सॉल्व करोगे तो 46, 12 एंड 48 हो जाएगा, इनको ऐड करोगे तो 106 आएगा। तो Na2CO3 की ग्राम में मात्रा है 53 ग्राम और अणु भार है 106, तो हम लिखेंगे Na2CO3 के मोलों की संख्या ग्राम में मात्रा बटे अणु भार होती है, ग्राम में मात्रा 53 है और अणु भार आया 106, सॉल्व करेंगे 0.5 मोल आएगा, ठीक है। अब आप बताइए एक मोल Na2CO3 में अणुओं की संख्या कितनी होगी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022×10^23, मगर हमारे क्वेश्चन में कितना मोल दिया है, 0.5, इसलिए 0.5 मोल Na2CO3 में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 0.5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 10^23 में, तो सॉल्व करेंगे तो 3.011×10^23 ये आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये हमारे अणु आए हैं, अणुओं की संख्या हमने निकाली है, मगर हमसे अणुओं की संख्या नहीं पूछी है, हमसे ये पूछा है कि 53 ग्राम Na2CO3 में कार्बन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं और सोडियम के कितने परमाणु हैं। तो आप बताओ, ये हमारे पास Na2CO3 का एक अणु है, ठीक है। आप बताओ इस एक अणु में, ध्यान से समझना, Na2CO3 का क्या है, ये एक अणु है, इस एक अणु में दो सोडियम परमाणु हैं, दो सोडियम क्या हैं, परमाणु हैं। एक क्या है, दो सोडियम परमाणु हैं, एक कार्बन परमाणु है और तीन क्या हैं, ऑक्सीजन परमाणु हैं एक अणु में। और हमारे पास अणुओं की संख्या कितनी आ गई, 3.011×10^23। तो अगर हम आपसे कहें कि चलो बताओ कि
53 ग्राम Na2CO3 में सोडियम परमाणुओं की संख्या, सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे पहले तो अणु निकालो, अणु कितने हैं, 3.011 × 10⁻²³, इतने अणु हैं, और हर एक अणु में सोडियम के कितने परमाणु हैं, दो। तो इस अणुओं की संख्या में दो से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻²³, ये हमारे पास हो जाएंगे सोडियम परमाणु। क्या हो जाएंगे, सोडियम परमाणु। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि चलो बताओ कार्बन परमाणु कितने होंगे, तो आप यहां क्या लिखोगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अणुओं की संख्या लिख दो, और एक अणु में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो इसमें एक से मल्टीप्लाई कर दो, वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारी आ गई कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब हम आपसे बोलें कि चलो बताओ ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे अणुओं की संख्या लिख दो, और एक अणु में कितने ऑक्सीजन है, तीन, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सॉल्व कर लेना, तो 9.033 × 10⁻²³, ये हमारे पास परमाणु किसके हो जाएंगे, ऑक्सीजन के, और इसको सॉल्व कर लेना तो यही आंसर आ जाएगा, 3.011 × 10⁻²³, ये हो जाएंगे कार्बन परमाणु। तो जो भी आपसे पूछा गया है वो आप आंसर यहाँ पर लिख देना, इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको और देख लेते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 ग्राम ऑक्सीजन में मोल की संख्या ज्ञात करो पहला पार्ट, अणुओं की संख्या ज्ञात करो दूसरा पार्ट, और प्रोटोनों की संख्या ज्ञात करो तीसरा पार्ट। देखो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन ये O2 दिया हुआ है, O2 की ग्राम में मात्रा, O2 की या ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है, 64 ग्राम। O2 का आणविक द्रव्यमान या कहें तो अणुभार कितना हो जाएगा, O का होता है 16, तो 2 × 16 करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, 64/32, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 मोल, 2 मोल हो जाएंगे, मतलब हमें ऑक्सीजन के कितने मोल दिए हैं, 2 मोल दिए हैं। तो हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया कि 64 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या कितनी हो गई, 2, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो आपसे बोला है अणुओं की संख्या बताओ, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या, 1 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 × 10⁻²³, अतः 2 मोल ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 × 6.023 × 10⁻²³, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 12.044 × 10⁻²³, पॉइंट्स को मूव कर दीजिएगा तो 1.2044 × 10⁻²³, ये हो जाएगा अणुओं की संख्या। अब हमसे पूछा गया है प्रोटोनों की संख्या, देखो प्रोटोनों की संख्या निकालने के लिए सीखिए पहले, देखो ये O2 है, ये किससे मिलके बना है, O से और O से, इस O का परमाणु क्रमांक है 8, इसका भी है 8, जो परमाणु क्रमांक होता है वो बताता है प्रोटॉन के बारे में, मतलब अगर हम कहें O2 के एक अणु में प्रोटॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे O2 के एक अणु में 2 O हैं और दोनों में 8-8 प्रोटॉन है, दैट इज 16 प्रोटॉन है, एक अणु में कितने प्रोटॉन है, 16, और अणुओं की संख्या कितनी निकाल ली हमने, अणुओं की संख्या निकाली है ये भाई, 2 मोल अणुओं में इतने, 2 मोल ऑक्सीजन में इतने ही तो अणु मौजूद हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 मोल ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या होगी
कितनी होगी? तो अणुओं की संख्या में हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्रोटोनों की संख्या निकल आएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो 19.26 × 10^24, ये हमारे पास प्रोटोनों की संख्या निकल करके सामने आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, एक दो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिएगा और उनके सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में उसके जो आंसर है वो लिख करके भेजिएगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, आपको चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं वो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने हैं। देखो ये है हमारे क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। मैं हल्की हल्की हिंट आपको दे रहा हूँ। निम्नलिखित में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। H2O के 3.60 ग्राम में, तो आप पहले ग्राम में जो मात्रा दी है इसमें H2O के अणुभार से डिवाइड करिएगा तो आपको निकल आएगी मोल की संख्या, मोल से निकलेंगे अणुओं की संख्या, और H2O के एक अणु में होते हैं 3 परमाणु तो अणुओं की संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परमाणुओं की संख्या निकल आएगी। इसको सॉल्व करके आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरा है ओजोन, ओजोन का सूत्र होता है O3 के 14.4 ग्राम में, तो देखो ये ग्राम में मात्रा दी है 14.4, इसमें ओजोन के अणुभार से डिवाइड कर दीजिएगा तो मोल निकल आएंगे, मोल से निकलेगी अणुओं की संख्या, जितने मोल होंगे उसमें एवोगाड्रो संख्या से गुणा करेंगे तो निकलेगी अणुओं की संख्या, और उस अणुओं की संख्या में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगी परमाणुओं की संख्या। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि O3 का जो एक अणु है उसमें 3 परमाणु मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सेकेंड पार्ट सॉल्व होगा, सॉल्व करिएगा। तीसरा है H2SO4 के 4.9 ग्राम में, तो H2SO4 का अणुभार निकालिएगा, ग्राम में मात्रा दी हुई है, अणुभार से डिवाइड करेंगे निकल आएगी मोल की संख्या, मोल की संख्या से निकलेगी अणुओं की संख्या, और अणुओं की संख्या में मल्टीप्लाई किया जाएगा 7 से, क्योंकि H2SO4 में 2 H है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, मतलब 7 परमाणु है। तो जो भी हमारी अणुओं की संख्या निकलेगी उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकलेगी परमाणुओं की संख्या। इस तरीके से ये तीनों पार्ट को आपको सॉल्व करना है। इस दूसरे क्वेश्चन को देखिए, HCl के 3.65 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो ग्राम में मात्रा दी हुई है 3.65, इसमें HCl के अणुभार से डिवाइड करिएगा जो कि 36.5 होता है तो आपको निकल आएगी मोल की संख्या, मोल की संख्या निकल आएगी, तो मोल की संख्या से निकलेंगे अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या निकालने के बाद आप देखिएगा HCl के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं निकाल दे रहा हूँ। HCl का परमाणु क्रमांक है 1, तो H में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, तो Cl में होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, तो HCl के एक अणु में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, एक अणु में, तो जो अणुओं की संख्या निकलेगी उसमें 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो मूल कॉन्सेप्ट के जितने क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड में इवन हल्का कॉम्पिटिटिव लेवल को टच करते हुए जितने भी तरीके के हम क्वेश्चन आपको बता सकते थे वो हमने बता दिए हैं। अभी मूल कॉन्सेप्ट पर बताने के लिए बहुत कुछ है, बट वो सारी चीज़ें आपकी किताब में तुरंत नहीं दी हुई हैं। जैसे टाइम टू टाइम हम आगे बढ़ेंगे तो हम इनसे रिलेटेड कुछ एक और पोर्शंस आपको सिखाएंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी किया करिए, उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।